नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे सावन प्रदोष व्रत 2023 में कब है, मतलब सावन का जो पहला प्रदोष व्रत है उसके लिए हम जानेंगे कि उसका मुहूर्त कब है और शिव को खुश करने के लिए ऐसे कौन से हमें खास विधि करनी जिससे कि शिव भगवान सावन में हमसे खुश हो जाएं। तो चलिए हम जानते हैं कि सावन का पहला प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है। तो सावन का पहला प्रदोष व्रत 14 जुलाई को है। प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, हर कार्य बिना अड़चन के पूरे हो जाते हैं। और चलिए अब जानते हैं इसका मुहूर्त और हम पूजा विधि। तो पंचांग के अनुसार हम सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 जुलाई 2023 को रात 7:17 पर शुरू होगी। 15 जुलाई 2023 को रात 8:32 पर इसका समापन होगा। तो प्रदोष व्रत में शिव जी की आराधना शाम के समय की जाती है। तो शिव पूजा का समय है रात 7:21 से लेकर रात 9:24। यह हमें करना है 14 जुलाई को। अब हम चलिए जानते हैं कि शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी और शुक्रदेव को समर्पित है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत करने से साधक पर शिव माता लक्ष्मी और शुक्रदेव मेहरबान होते हैं। शुक्र को भौतिक सुख सुविधा और धन ऐश्वर्य प्रदान करने वाला माना गया है। शुक्र प्रदोष व्रत सौभाग्य प्रदान करता है। यही नहीं है कि महादेव की पूजा के लिए प्रदोष व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। तो प्रदोष में बिना कुछ खाए व्रत रखने का विधान है। ऐसा करना संभव ना हो तो एक समय फल खा सकते हैं। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। शाम को शुभ मुहूर्त में शिव पार्वती को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराकर बिल्व पत्र, गंध, चावल, फूल, दीप, धूप, दीप, भोग, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ाएं। अब हम अगला जो विधि है वो बताते हैं। 8 आटे के दीपक बनाएं और घी का दिया जलाकर चारों दिशाओं में रख दें। अंत में शिव चालीसा का आप पाठ करें। शिव चालीसा पाठ करते हैं और फिर हम शिव जी की अंत में आरती भी करते हैं।